अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर 2022 और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ जीटा मॉल एंड अपार्टमेंट्स के सामने। आपको गीगा मॉल नज़र आ रही है और मैं अभी आपको एक दो चीज़ें जो पहले कभी नहीं शायद देखी हमने वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ग्राउंड से जब एंटर हूँ तो ये उसकी एट्रियम है, मेन एट्रियम। अब आप एट्रियम की खूबसूरती देखें। हम ग्राउंड पर खड़े हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फूड कोर्ट, फूड कोर्ट के बाद बंद है। और आप देखें, जो बंदा यहाँ पे आएगा उसको ये पूरा फ्लोर ऊपर तक नज़र आएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा इनवाइटिंग है कि यहाँ से आपको फूड कोर्ट तक नज़र आता है। ये सारे फ्लोर ना इसमें फुल आपको डिस्प्ले में नज़र आएंगे। राइट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सामने एक दो दो लिफ्ट्स ये हैं, लेफ्ट पे देखें तो दो लिफ्ट्स आपकी ये हैं एग्जैक्ट ये जगह। और एक नई चीज़ अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे कुछ हुक्स में आपको दिखाता हूँ, लेट मी क्लोज़र इसका लुक लूँ। ये देखें, ये हुक्स जो लगी हुई, ये एच, ये जो है ना एच बैक होता है जिसको कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम जो होता है इनका, उसके लिए ये हुक्स भी इसमें लग गए हैं। तो और ये सामने जो आपको वाइड नज़र आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ पास से जाके, यहाँ पे आपको एस्केलेटर्स होंगे। अब आप ये देखें कितनी ज़्यादा जगह है जो कि इन्होंने एट्रियम के लिए छोड़ी है। इस तरह की ना सेंटोरस में है और ना गीगा में है। ये देखें यहाँ पे, ये जगह जो है ना, यहाँ से आपके ये जो ऊपर वाइड है ये आपका एस्केलेटर लगा होगा, लगा हुआ है, और नीचे ऑफ कोर्स लोअर ग्राउंड है। वहाँ पे आपकी एक लिफ्ट है, कार्गो लिफ्ट, और एक लिफ्ट वहाँ है, और इधर इसी तरह इस जगह पे वो सामने आपको वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वाशरूम्स के अंदर काम सारी प्लम्बिंग होगी है और उसके इवन सैनिटरी की चीज़ें भी लग रही हैं। और ये फ्रंट था जहाँ पहले खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा था, अभी मैं वहाँ पर वापस जाता हूँ और आपको थोड़ा सा और चीज़ दिखाता हूँ। ये राइट पे अगर आप देखें तो ये जितनी जगह है ऑल दी वे, ये पूरे का पूरा, यानी ये जो मेन एट्रियम के राइट के ऊपर है, ये सारा खाड़ी ने ले लिया है। ये 18,000 स्क्वायर फुट का ह्यूज एरिया, ये सारा खाड़ी ने के पास रेंट आउट हो गया। बाकी अभी ये जो एरिया है इसके ऊपर 3-4 ब्रांड्स के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी क्लोज हो जाएंगी। और इसी तरह फर्स्ट, सेकंड और फूड कोर्ट में भी चंद चीज़ें लग गई हैं। तो बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। फ्रंट एलिवेशन इसकी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगना शुरू हो गई है। इसलिए टाइल लगने का मतलब यह है कि ये फौरी तौर पे इसको आपको फिनिश लुक आना शुरू हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जिन जिन लोगों ने जीटा मॉल में इन्वेस्ट किया, everything is going perfect as per plan. तो thank you very much for your time, और अगर किसी को कोई शॉप्स चाहिए होंगी तो मुझसे राबता कर सकता है।